हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डिसाइड आर्किटेक्चर थीसिस टॉपिक, मींस कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है थीसिस टॉपिक जो कि आपकी पर्सनैलिटी को या फिर आपके पर्सनल इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करें। क्योंकि जनरली हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट होती है, लेकिन उसमें से हमारे लिए कौन सा बेस्ट है वो कैसे डिसाइड करें। तो मैं आपको इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने किस तरीके से डिसाइड किया था, और विद इन 5 मिनट्स में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है थीसिस टॉपिक। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ 4 सिंपल स्टेप्स जिससे कि आप विद इन 5 मिनट्स में डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि हॉबीज़ एक तरीके से। आप इसमें अपना डिफाइन कर लीजिए कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको डांसिंग पसंद है, बाइक राइडिंग, फोटोग्राफी, स्केचिंग, आपको कुछ भी पसंद है वो आप एक डिफाइन कर लीजिए कि हाँ आपको ये चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। और आप इसको एक कहीं पेज पे या कॉपी पे आप कहीं पर भी लिख के नोटेड डाउन कर लीजिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं मेरे केस में ले लेता हूँ कि मुझे स्केचिंग पसंद है, तो स्केचिंग को अब मैं एक जगह पर नोटेड डाउन कर लूँगा और उसको एक जगह रख दूँगा, ठीक। अब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है पूरे थीसिस टॉपिक में, इसको आप कर दीजिए साइड में। उसके बाद अब बात करते हैं मेन स्टेप की, जो कि है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है आपका बिल्डिंग टाइप। आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बिल्डिंग टाइप पे वर्क करना ज़्यादा पसंद है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको म्यूजियम बनाना पसंद है या फिर स्कूल, रिजॉर्ट, हॉस्पिटल्स हैं, शोरूम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी बिल्डिंग टाइप पे वर्क करना है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड में आप डिसाइड करेंगे यूज़र टाइप कि आपको किन लोगों को कैटर करना है या किन को सर्विस देनी है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आप प्रोफेशनल्स को देना चाहते हैं या आर्टिस्ट को या पुअर पीपल को या रिच पीपल को। बहुत लोग होते हैं जो पेट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, बूढ़े लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनको भी अपना यूज़र टाइप बना सकते हैं। जनरली इसमें टूरिस्ट भी आते हैं यूज़र टाइप में, तो आप अपना यूज़र टाइप, एक यूज़र जो बेस है वो डिफाइन कर लीजिए कि आप किन को कैटर करना चाहते हैं, किन को सर्विस देना चाहते हैं। कि मेरे केस में मैं पुअर पीपल को ले लेता हूँ कि गरीबों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे में यूज़र टाइप जो हो गया वो गरीब लोग हो गए। बिल्डिंग टाइपोलॉजी थी वो मेरी हो गई स्कूल्स, और इंटरेस्ट जो था वो मेरा हो गया स्केचिंग या आप कह लीजिए पेंटिंग, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो मैंने ये 3 चीज़ डिसाइड कर ली। अब फोर्थ एंड लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, वो है आर्किटेक्चर। आप कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल पे वर्क करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, पैसिव कूलिंग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, या फिर आप एक ऑटोमेशन वाली बिल्डिंग, स्मार्ट बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि मूवेबल बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्मेबल बिल्डिंग, इन टाइप की बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, तो वो आप डिफाइन कर लीजिए कि आपको कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल या कौन सा आर्किटेक्चर पसंद है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन पे भी जाना पसंद करते हैं, तो आप अपना एक आर्किटेक्चर स्टाइल एक डिफाइन कर लीजिए कि आप किस आर्किटेक्चर पे वर्क करने वाले हैं। तो आपने ये चारों चीज़ें डिसाइड कर ली। अब जैसे इस केस में मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि लो कॉस्ट हाउसिंग या ऑटोमेशन मेरा आर्किटेक्चर स्टाइल होने वाला है। तो अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस सेकंड, थर्ड और फोर्थ को लिंकअप कर देना है आपस में। जैसे कि मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ, बिल्डिंग टाइपोलॉजी जो कि सेकंड स्टेप था उसमें मैंने लिया था स्कूल, उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने लिया था जो कि यूज़र टाइप था उसमें मैंने लिया था पुअर पीपल को, उसके बाद फोर्थ स्टेप में मैंने लिया ऑटोमेशन। तो अब जो है मैं स्कूल बनाऊंगा ऑटोमेशन वाली, जिसमें कि यूज़र टाइप्स कौन से होंगे, वो होंगे पुअर पीपल। साथ में अब आपको अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी है, मींस कि वो आपसे रिलेटेड लगे, कि आपकी इनर स्ट्रेंथ उसमें दिखे। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि अब आप अपनी फर्स्ट जो आपने स्टेप फॉलो किया था जो कि आपका इंटरेस्ट था उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं ले रहा हूँ अगर सिंगिंग, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया कि लाइक म्यूज़िक, तो आप जो स्कूल है वो बना सकते हैं म्यूजिशियंस के लिए, ठीक है। या अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो फोटोग्राफी का है, तो जो आप स्कूल है वो आप बना सकते हैं फोटोग्राफी के लिए। तो इसी टाइप से आप आर्किटेक्चर थीसिस टॉपिक जो है वो आपने डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है और किस तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए। अगर आपके पास एक लंबी सी लिस्ट है और आपको डिसाइड करना है ऐसा थीसिस टॉपिक जिसमें आपकी पर्सनैलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो। एंड सेकेंड थिंग, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपको एक लिस्ट चाहिए आर्किटेक्चर थीसिस की, मैंने अराउंड 205 टॉपिक्स के आर्किटेक्चर थीसिस टॉपिक के एक लिस्ट बना रखी है, PDF बना रखा है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए आप मेरे आई बटन पे एक लिंक आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प आउट की होगी, आप डिसाइड कर पाएंगे विद इन 5 मिनट्स में। एंड 95% केसेस में ये जो फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको बताया है वो वर्क करता ही करता है। तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट सुटेबल तरीका होगा। थैंक यू।